पता नहीं क्यों दूध के लिए मना कर रहे हैं सारे के सारे, कह रहे हैं कि दूध अभी मैं अपने नाम नहीं दे रहे दुकानों से। अरे हर साल तो मैं ऐसे लेता हूँ यार, अभी दूध के लिए मना कर रहे, दिक्कत हो जाएगी ऐसे तो। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आपका दोस्त राशिद स्वागत करता है आज के नए ब्लॉग में। आज है बड़ी खुशी का दिन, पूरे 30 दिन रोजे रखने के बाद, रमजानों को विदा करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बड़ी खुशी का दिन है। आज है ईद और फिलहाल तो है चांद रात और उस टाइम बज रहे हैं दो, नींद आ नहीं रही है क्योंकि चांद रात है, ईद की खुशी बहुत ज़्यादा है। रमज़ान के जाने का गम तो देखो होता ही है, बट हमें ईद बहुत खुशी के साथ मनानी चाहिए। तो पहले तो आप सभी को ईद मुबारक तहे दिल से मेरी तरफ से और मेरी पूरी महफूज फैमिली की तरफ से, आप सबको दिली ईद मुबारक। आप लोग ठीक होंगे, ईद का त्यौहार है, बहुत खास दिन है, तो चलो इस दिन को करते हैं शुरू। फिलहाल तो 2 बज रहे हैं और 2 बजे मैं दिखाता हूँ क्या हो रहा है। आज 2 बजे अम्मी के लग रही है मेहंदी, और मेहंदी लगा रही है मेरी चाचा की लौंडिया जेबा, और मेहंदी देखो कैसी लग रही है, और अम्मी हमारी बैठी हुई हैं इस टाइम मेहंदी लगवा रही हैं। हाँ अम्मी, क्या बोलना चाहोगे लोगों को? पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम, फिर ईद मुबारक, और भैया सही सलामत रोजे चले गए। हाँ इधर अल्लाह आगे को सबको फिर ऐसे ही रोजे लाए सबके। हाँ और भैया देख रहे हो खुशी, खुशी देखो खुशी, क्योंकि पता है अभी 2 बज रहे हैं, 1 बजे हम घर की साफ सफाई करके पूरी कंप्लीट करके, मैं ब्लॉग नहीं बना पाया, पूरा घर धुलवा लिया इन्होंने मेरे से आज। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, त्यौहार है, मौका है इनका। चलो अब मिलते हैं, कल सुबह दिखाते हैं आपको आपका आज का दिन कैसे, हमने ईद का दिन कैसे सेलिब्रेट करा है। ये देखो हमारी पीकू सो रही है, ये सोती तो है नहीं, ये अभी बंद करा है इसको इसके अंदर, वरना पूरे दिन इसने पंजे मार मार के नचा रखा सबको। तो हेलो फ्रेंड्स, हो गई है सुबह, सुबह के बज रहे हैं 5:30 की फजर की नमाज है, जो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, नमाज तो सारी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या है कि आज ईद की नमाज भी थोड़ा जल्दी है, तो इस वजह से, और टोपी सेट की नहीं, हाँ तो इस वजह से हमें जल्दी जल्दी रेडी होना है। और नीचे चल रही है जैसे मिक्सी की आवाज़ आ रही होगी, तो नीचे बन रही है फिरनी की तैयारी, तो उसके लिए मुझे लेने जाना है अभी दूध, और दूध ला के दे दूँगा तो मेरा काम हो जाए ख़त्म। तो मैंने ले लिए हैं दो थैले, इनमें कपड़े लेकर आया था मैं, वही ले लिया मैंने तो। और ये निकाल लिया हमने अपनी स्कूटी, क्योंकि बारी खड़ी रहती है, और अब मैं जा रहा हूँ दूध लेने के लिए, और रोड पर ना तो कोई बंदा ना बंदे की जात, क्योंकि टाइम इतना हो रहा है, क्योंकि सुबह के बज रहे हैं 4:30 और हम जा रहे हैं दूध लेने के लिए। कुत्ते हमारे गली के सोए पड़े हैं, ठीक है, और कुछ लोग नज़र आए जो घर की साफ़ सफाई कर रहे हैं। सुबह सुबह बड़ी मेहनत का काम हुआ, सुबह सुबह उठ के नींद ख़राब करना, और अब हम जा रहे हैं दूध लेने, देखते हैं दूध मिलेगा कहाँ पे, क्योंकि हर साल तो मैं रोड पे, हमारे यहाँ एक गाड़ी उतरती दूधों की, दूध की, तो हम आ जाएंगे दूध लेंगे और दूध लेकर आते हैं। सामने हैं दूध के खड़े हुए, वो हैं सामने, दिख रही होंगे हरी नीली नीली सी क्रेट, यहाँ पर मिलता है दूध, तो अपने को दूध लेना है 14 किलो, 4 किलो मेरी बुआ का है और 10 किलो हमारा, ठीक है, यहाँ से लेंगे दूध। पता नहीं क्यों दूध के लिए मना कर रहे हैं सारे के सारे, कह रहे हैं कि दूध अभी मैं अपने नाम नहीं दे रहे दुकानों से। अरे हर साल तो मैं ऐसे लेता हूँ यार, अभी दूध के लिए मना कर रहे, दिक्कत हो जाएगी ऐसे तो। तो हमें फाइनली दूध तो मिल गया, दूध मिल गया हमें, और अब हम जा रहे जल्दी से घर। तो भाई हमारा तो सुबह का पहला टास्क कंप्लीट हो चुका, दूध ला के दे दिया मम्मी को, मम्मी ने नमाज पढ़ने जा रहा, मम्मी कह रही खजूर खा के जाए, मैं ठीक है खा लेते खजूर, खा लें खजूर तो बहुत मस्त चीज़ है। हाँ ये बेचैन है, दूध देख लिया इसने, पर दूध पीती नहीं है, बैठ जाएगी यहाँ से, मतलब सुबह भी जगी रहती है, बस जब उठो जब भी जगी रहती है। तो कुछ ऐसा सीन है अपना आज, ये हमारा आज का ड्रेसअप, कमेंट करके बताना कैसे लग रहा है, वाइट पैंट शॉर्ट कुर्ता।
तो फाइनली हमारी ईद की नमाज़ हो चुकी है और नमाज़ पढ़ के हम आ गए हैं। और ये हमारे उजैफ, जिन्हों की नींद भी पूरी नहीं हुई है, और ये देख रहे हैं कि चाचू क्या कर रहे हैं। उजैफ सोच रहे क्या कर रहे, पता नहीं चाचू है। चलो ईद मुबारक आप सभी। माशाल्लाह देने पहले ये देखो हमारी भाभी बना रही है फिरने, क्या जबरदस्त लजीज उम्दा। अब खाएंगे हम, क्योंकि ईद हो चुकी है, नमाज हमने पढ़ ली है। ये देखो अभी लाई है भाभी हमारी खोया, ये इसमें खोया डाला जा रहा है। डालो तो सही, इसको भी और पकाया जा रहा है। ईद मुबारक भाई। अबीरा, तो 2 घंटे नमाज पढ़ने के बाद अब हम अपनी बुआ के यहाँ से फारिग होकर आ चुके हैं अपने घर, और हमारे पापा कर रहे हैं गोला, घिस रहे हैं हमारे पापा। अभी गोला छोड़ दिया उन्होंने। पापा ईद मुबारक बोल दो सबको, जोर से बोलो मुबारक। ईद मुबारक नहीं, ऐसे बोलो ईद, सबको ईद मुबारक। सबको ईद मुबारक। हाँ, और भाई आए हमारे बड़े भाई, फुल साफा वाफा डाल के क्या। और अम्मी अभी तक हमारी तैयार, अम्मी हमारी अभी तैयार नहीं हुई है। उन्होंने साथ में गए हुए। हाँ, अभी छोटा वाला भाई कहीं गया था, उसके बारे में पूछ रहे हैं। चलो, और बाकी मैंने अभी बच्चों को तो ये दे दिया है, अब घर पे देनी है, वो देंगे फिर बताते हैं, फिर करते हैं एंजॉय। ठीक है, अब मिलते हैं गोला घिसने के बाद। पूरा पूरा गोला घिस देंगे आज तो, फुल मेवा डल रहा है फिरने में, फुल मेवा। जिसने भी खाएगा ना, जो भी खाएगा भाई, इसका वाह वाह करेगा, वाह वाह। चलो अभी पहले गोला घिस लेता हूँ मैं। ये देख, ये देखो, ये भी खेलने के मूड में पूरी की पूरी। ये देखो इसका हैंकी, ये डॉल है ना, डॉल तो इसका हैंकी थोड़ा वैसा है लड़कियों वाला, क्योंकि लड़की है ना ये। अब इसके पैर वैर, क्योंकि ये ना ये कीचड़ में, देख 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 देख, अभी इसने मेरे पैर पे पंजा मारे थे इतने तेज तेज। अभी इसके ना हम मुंह छोड़ के और पूरे उस पे ना वो लगाए थे हम, इसको मुंह पे नहीं लगाते इसके कभी। अब इसको हमने ट्राइपॉड दे दिया तो अभी ऐसी हो गई है, अभी बैठ जाएगी एक तरफ। पिकू बैठ जा। हाँ गुड गर्ल। और नहाना है। ये बन गई हमारे यहाँ की फिरनी, और मम्मी डाल रही है इसमें खोया और चलो। सबर नहीं हो रहा भाई खाने का, बस जल्दी से बन जाए और फिर अपन अपने घर के पहले खीर खा के फिर ईद बनाए। मम्मी बना रही है और देखो मम्मी ने इसको वो कर दिया अभी। ठीक है, तो बन जाएगी हमारे यहाँ की, बाल बिगड़ जाते हैं। चलो, तो पूरी मेहनत मशक्कत करने के बाद, रसोई में काम करने के बाद थका दिया गया मुझे। और क्या 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 सारा घर मेरे से तुमने धुलवा लिया। हेल्प नहीं, काम ही करवा लिया तुमने मेरे से, रात भर से जगा रखा मुझे। अब आए हैं कुछ मित्रगण, हमारे मित्रगण आए हैं सेलिब्रेशन पे। मिलिए अभिलाष, ये उसकी तरह लगता है। वो एक स्टोरी नहीं आई थी कॉलेज रोमांस करके, वो उसमें एक वो था काढ़ा सा, वो जो पड़ा रहता है। ये हन्नी, ये लगता होगा। हाँ, ये थोड़ा बल्की बंदा है ये अन्नू भाई, बिल्कुल स्लिम फिट एकदम, जैसे कहते हैं ना मस्कुलर बॉडी। अरे गजब। हम अब आ गए गली में, अब हम जा रहे हैं, खाएंगे पिएंगे मौज लेंगे, मिलते हैं आगे।
बाहर इसको लगती है खुशी से बाहर को निकल जाती है एकदम से छलांग मार। हाँ भैया ओए क्या कर रहा था अभिलाष ये? अब तक खाया कितनी जैसे जैसे बहुत अमीर लोग हैं। अरे शादी वाला लड़का आज तक कब देख रहे कैमरा वो यार और जब कैमरामैन नहीं होता था खाता सही ऐसे आ भाई दोनों भैया बहुत मजाक उड़ाओ बेचारे को मिलता नहीं है बहुत अरे मैं छोड़ दूंगा कैसी बात कर रहे हो। तो ऐसा हुआ कि दोस्त वगैरह आए थे उनके जाने के बाद कहीं चला गया फिर मैं अपने रिलेशन में और फिर उसके बाद ऐसा आके सोया क्योंकि रात भर तो जगा हुआ था मैं और फिर आई नींद इतनी तगड़ी के भाई साहब सोने का पता ही नहीं चला कि कहाँ हूँ कहाँ नहीं। तो हमारी तो ऐसे बनी है और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी बनी है। आई होप जो जिनों की भी ईद बनी होगी काफ़ी अच्छी बनी होगी। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक करना है शेयर करना है और कमेंट करना है और बताना आपको वीडियो कैसी लगी। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय ईद मुबारक आपको फिर से। बाय बाय।